डेढ़ गुना यूरिया बिहार को भेजा है भारत सरकार ने। ये नीतीश और लालू के राज के अंदर इसकी कालाबाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। डेढ़ गुना यूरिया हमने किसानों को भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है, लालू की कगर पर बैठे रहिए। 24 का चुनाव आना है, एक बार नीतीश जी ने धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। और ये नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए, बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे। बाजारी हो, अभी मैं बीच में देख रहा था, लालू जी के बेटे बता रहे थे यूरिया कम आ रही है, डेढ़ गुना यूरिया बिहार को भेजा है भारत सरकार ने। ये नीतीश और लालू के राज के अंदर इसकी कालाबाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। डेढ़ गुना यूरिया हमने किसानों को भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नैनो यूरिया का कारखाना भी अब झारखंड में देवधर में बन रहा है, पूरे बिहार को एक ही बोतल में यूरिया की पूरी बैग मिल जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। सॉइल हेल्थ कार्ड की भी व्यवस्था की है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन भी चलाया है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपया कृषि के अलावे सिंचाई के लिए खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारे काम बिहार के अंदर विकास के मोदी जी ने शुरू किए हैं, मगर नीतीश जी उसको रोक कर बैठे। मैं आज बिहार की जनता को इस समागम के माध्यम से अपील करने आया हूं कि एक बार आप डबल डेकर डबल इंजन सरकार बना दी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है ही, नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बिहार को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाए। मित्रों, सबसे पहले 24 का चुनाव आना है, एक बार नीतीश जी ने धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है, लालू की कगर पर बैठे रहिए, और जब धोखा पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या होता है। मैंने तो मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। मित्रों, इस बार लोकसभा के चुनाव में एक स्पष्ट मैसेज दीजिए, गत चुनाव में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया था, भाजपा को ज्यादा सीटें दी थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमारा वादा था। मगर इस बार लोकसभा के चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार डाल दी। और ये नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए, बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे, बिहार में कभी जंगल राज नहीं आएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सभी किसान मजदूर भाइयों को इतना कहना चाहता हूं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो विचार किसानों के लिए थे, मजदूरों के लिए थे, वो विचार और कोई पूरा नहीं कर सकता, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और फिर से एक बार 2/3 बहुमत के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। आप बताइए किसान भाइयों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जोर से बोलिए, बनाएंगे। बिहार की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे, बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे।
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।